सब्सक्राइबर के साथ बेल आइकन को दबाइए और भी सारा टाइम की सारी नोटिफिकेशन पाइए। है, आरएएफ है, एसएसबी है, तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस हमें जो मिली है उसको डिप्लॉय किया गया है। दिल्ली पुलिस ने अपने एडिशनल रिसोर्सेज को मोबिलाइज किया हुआ है, जितनी भी हमारी यूनिट्स हैं जैसे क्राइम ब्रांच और बाकी यूनिट्स हैं दिल्ली पुलिस की, वहां से भी मैक्सिमम रिसोर्सेज को मोबिलाइजेशन किया हुआ है। सीनियर ऑफिसर, स्पेशल सीपी रैंक के ऑफिसर्स सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं, कंट्रोल रूम में तमाम सीनियर ऑफिसर्स मॉनिटर कर रहे हैं, ग्राउंड पे तमाम सीनियर ऑफिसर्स हैं, पेट्रोलिंग की जा रही है और एरिया को डोमिनेट किया जा रहा है। अभी भी जो हमने कल जैसे इंसिडेंट हुआ है उसके बाद दिल्ली पुलिस ने 144 सेक्शन इम्पोज किया हुआ है और तमाम जनता को मैं अपील करना चाहूंगा कि शांति बनाए रखें और सहयोग करें। कुछ र्यूमर्स चल रहे हैं, आप र्यूमर्स पे ना जाएं। 144 के बावजूद भी कुछ जगह पे, कुछ एरियाज पे आज भी कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं जिसको हमने रिस्पॉन्ड करके उस पर एक्शन लिया है, लेकिन मैं तमाम दिल्ली वासियों से, खासकर नॉर्थ ईस्ट में जो भी हमारे भाई हैं उनसे मैं अपील करना चाहूंगा कि कानून को अपने हाथ में ना लें और आज भी जैसे इंसिडेंट्स हुए हैं उसको हम टैकल भी कर रहे हैं और स्ट्रांग एक्शन ले रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ अब मैं एक स्ट्रांग मैसेज भी देना चाहूंगा, जितने भी तमाम हमारे मिसक्रिएंट्स हैं, एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इसके साथ साथ अभी तक हमने 11 एफआईआर दर्ज की है, कुछ हमने डिटेन भी किया है और भी ज्यादा हम अब डिटेन करेंगे। सिचुएशन अभी अंडर कंट्रोल है, जैसे आपको मैंने बताया कि कुछ जो गलियां हैं वहां कोई भी अगर इंसिडेंट होती है तो पुलिस उसी समय रिस्पॉन्ड कर रही है। और इसके अलावा जो हमारे पास ड्रोन्स की भी हम हेल्प कर ले रहे हैं, ड्रोन से भी हम निगरानी कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जो पत्थरबाजी की है, काफी लोगों ने छतों से पत्थरबाजी की है, अपने घर की छत से की है, उस पर भी हमने नजर रखी हुई है। सीसीटीवी से हम इनकी रिकॉर्डिंग भी चेक कर रहे हैं और इसके अलावा ड्रोन की मदद से पूरा जो एरिया है उसको डोमिनेट किया हुआ है। अभी सिचुएशन कंट्रोल में है और हमारे तमाम सीनियर ऑफिसर्स इसको मॉनिटर कर रहे हैं, सफिशियंट फोर्स डिप्लॉय की गई है और इसी तरह हम इसको चेक रखेंगे। सर आपसे एक सवाल है, वायलेंस की 2 दिन पहले कपिल मिश्रा का जो भाषण दिया गया था उसके बाद से जो स्थिति बदली है, अभी आपने कहा 11 एफआईआर दर्ज हुई, क्या इस मामले एफआईआर दर्ज पुलिस करेगी या नहीं करेगी? ये तमाम जो है अंडर इन्वेस्टिगेशन है, जो एफआईआर दर्ज हुई है, अभी जैसे आपको पता है कि हमारी जो टॉप प्रायोरिटी कल से थी वो सिचुएशन को कंट्रोल करने में थी, जो हमने कंट्रोल कर ली है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा आज भी कुछ एक दो इंसिडेंट्स हुए हैं जिसको हमने रिस्पॉन्ड किया है और इसके बाद हम जितने भी एफआईआर दर्ज की है उनकी तमाम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उनका जो मेन अगर कोई भी कॉन्स्पिरेटर वगैरह होगा उस पर हम प्रॉपर एक्शन लेंगे। अभी इसमें इसमें अनफॉर्चुनेटली जो 9 सिविलियंस हैं उनकी डेथ हुई है और बाकी जो इंजर्ड है वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है और मैंने जैसे आपको बताया अनफॉर्चुनेटली हमने भी एक अपना साथी खो दिया। सर जो कल अटैक हुआ था कोई अरेस्ट नहीं हुआ एसीपी गोकुलपुरी पे जिसमें रतनलाल की डेथ हो गई, तो क्या उनसे उनका जो वेपन है वो भी छीना गया वहां पे? नहीं, वो अभी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उस पर हमें काफी क्लूज मिले हैं, हमारे पास प्रॉपर एविडेंस है, उस पर एक्शन ले रहे हैं, वो हम जैसे जैसे हम रिकवर हो गया जैसे जैसे हम आगे चलेंगे इन्वेस्टिगेशन आपसे और शेयर करेंगे। थैंक यू। सोशल मीडिया पे जो कुछ सर आपकी फोन डिटेल्स भी अभी 20-25 हमने डिटेन कर दी, अब शुरू कर रहे हैं। ताजा खबरों के लिए सब्सक्राइबर के साथ बेल आइकन को दबाइए और भी सारा टाइम की सारी नोटिफिकेशन पाइए।